नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सनातन की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त और कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। शरीर में पाचन तंत्र, मेदा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। पांच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। तो फिर कैसे समझें कि बृहस्पति जीवन में अशुभ है? बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा के साथ साथ व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में भी मुश्किलें आती हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है। कैंसर और लीवर की सारी गंभीर समस्याएं बृहस्पति देव ही देते हैं। संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं। व्यक्ति सामान्यतः निम्न कर्म की ओर झुकाव रखता है और बड़ों का सम्मान नहीं करता। तो फिर बृहस्पति के शुभ होने के लक्षण क्या हैं? व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान पाता है। व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा होती है और व्यक्ति जीवन में तमाम समस्याओं से बच जाता है। ऐसे लोग आमतौर पर धर्म, कानून या कोष, बैंक के कार्यों में देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में हो और पाप प्रभावों से मुक्त हो तो व्यक्ति की सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं। कभी कभी ये बृहस्पति अहंकारी और भोजन प्रिय भी बना देता है। आइए जानते हैं कैसे करें बृहस्पति देव की पूजा ताकि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो सके। बृहस्पतिवार का उपवास रखें। इस दिन नमक का सेवन न करें। घर के पिछले हिस्से में केले का एक पेड़ लगाएं और रोज प्रातः उसमें जल अर्पित करें। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। नित्य प्रातः विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और फलदार वृक्ष लगाएं। अगर बृहस्पति अशुभ हो तो गले में माला और स्वर्ण धारण नहीं करना चाहिए। अगर बृहस्पति अशुभ हो और मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा हो तो क्या उपाय करें? नित्य प्रातः हल्दी मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। बरगद की जड़ को पीले धागे में लपेटकर गले में धारण करें। भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। नित्य सूर्योदय के पूर्व गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर दुर्भाग्य आपका पीछा न छोड़ रहा हो तो पुराने वस्त्र पहनकर किसी नदी या सरोवर पर जाएं और अपने साथ साफ धुले हुए कपड़े भी लेकर जाएं। पुराने वस्त्र पहनकर ही नदी या सरोवर के जल में स्नान कर लें और अब पुराने वस्त्र वहीं छोड़ दें और साथ लाए दूसरे वस्त्र पहन लें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पुराने वस्त्रों के साथ आपका दुर्भाग्य भी छूट जाए।